प्रखंड अंतर्गत कमरगामा बहियार में मैं एक पोखर के पास खड़ा हूँ, जहाँ पोखर में मछली का पालन किया जाता है। और यहाँ जो है अभी प्रत्यक्ष में आप देखिए वीडियो के माध्यम से, यहाँ जो है चारा देने पर मछलियाँ जो है ये उछल कूद करने लगती है और नीचे से ऊपर आ जाती है। देखिए ये कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ पोखर में है और यहाँ ये चारा दे रहे हैं संग्रामपुर के पूर्व प्रमुख प्रमोद कुमार सिंह, इनसे बात करते हैं। मैं इनसे बात कर रहा हूँ और ये पूर्व प्रमुख है, इसके पहले ये मुखिया भी रह चुके हैं और MLA के प्रत्याशी भी रह चुके हैं और भूतपूर्व प्रमुख भी है इनसे, और इन्हें किसान श्री से सम्मानित भी किया गया है। इनसे जानकारी लेते हैं कि आपने इस पोखर का निर्माण किस उद्देश्य से करवाया। इस पोखर का निर्माण मैंने इस उद्देश्य से कराया, चूँकि किसान श्री जो मिला था वो मछली के विपणन में मिला था, इसीलिए यह पोखर मतलब कि जो है खनवाया गया सॉइल कंजर्वेशन के तरफ से। और चूँकि MSc में मेरा एक सब्जेक्ट था फिश एंड इनलैंड फिशरीज, कि मछलियों के बारे में अच्छी जानकारी थी, इसलिए मैंने पोखर में मछली पालने का कार्य किया। कभी आपने इसकी खुदाई करवाई? खुदाई लगभग 10 वर्ष पहले करवाई। 10 वर्ष पहले करवाए हैं, तो इसमें मछली का पालन होता है, तो इससे आपको कुछ बेनिफिट मिलता है या केवल ये शौकिया मछली का पालन करते हैं आप? अभी तो लगभग मतलब कि 8 साल तक घाटे में रहे और पिछले साल से कुछ बेनिफिट में आओ, क्योंकि अनुभव होते होते जो है, और चूँकि ये बिहार में है इसलिए कुछ लोग मछली का शिकार भी कर लेते हैं, जिसके कारण घाटा हो रहा था, तो अब जो है इसमें पहरेदारी तेज कर दिए हैं, इसलिए इस बार इनकम दिखाई पड़ रहा है। आप किसान श्री से सम्मानित हैं तो क्या आप खेती भी करते हैं? खेती भी करते हैं, बगल में देखिए ये धान की खेती है। धान तो देख रहे हैं ये पौधा जो है लहलहा रहा है, वर्षा तो नहीं होती है, लेकिन किस तरह से आपने इस पौधे को इतना हरा भरा रखा है? इसलिए कि यहाँ जो है मतलब कि इसमें बोरिंग है, बोरिंग से पानी चला जाता है और इसमें एक मतलब जैविक खेती की ओर हम बढ़ रहे हैं और इसमें जैविक उत्पाद डाला गया है और खाद भी डाला गया है। तो मतलब ये आपका जो है ये कठोर परिश्रम का फल है जो इतना हरा भरा धान दिखाई देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रकृति तो आपके विपरीत है। हाँ, तो फिर भी आपने जो है अपना खून पसीना बहा करके इस पौधे को लहलहा रखा है। किसान है, जो किसान है, किसान से बड़ा जुगाड़ी कोई नहीं है इस धरती पर। किसान जितना रिस्क लेता है, अगर रिस्क नहीं लेता तो आपको कोरोना काल में 3.4 GDP मतलब कि नहीं होता भारत का। मैंने खेती आपके लिए जुआ के समान है। जुआ है ही है, लेकिन मेहनत से लोग किसान उपजा लेता है सरकार के। भारत का मानसून जो है, कहते हैं भारत का मानसून जुआ है। हाँ, वो कब बरसेगा कब नहीं बरसेगा कुछ पता नहीं है। सही बात, कब सुखाड़ कर देगा और कब फसल को दहा देगा। सही बात, ये सचमुच सच बात है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये धान जो है ये कितने दिन में तैयार हो जाएगा? अभी इसमें लगभग 2.5 महीना लगेगा। वो 2.5 महीना लगेगा, तब तो अभी तक इसको जो है फसल की रक्षा करनी होगी। हाँ, फिर मैंने पटवन देना होगा। ये खाद आप इसमें क्या डालते हैं? खाद इसमें जैविक खाद वगैरह डाले हैं, भू स्तर वगैरह है, एक लिक्विड आता है, जैसे कोई भी रोग लगता है तो उसमें क्या होता है कि आप मतलब कि डाल दीजिए, उसमें स्प्रे कर दीजिए, 3 मिनट के अंदर उसके पत्ती के पूरा अंदर चला जाता है। मैंने इसमें कोई केमिकल नहीं डालते हैं आप? अगर खर पतवार है या कोई कीट है ये है उसको नाश करने के लिए जैविक मतलब दिए है, मतलब कि घास मरने के लिए केवल दवाई दिए है इस बार, क्योंकि एक बैच जो है हम जैविक खेती की ओर नहीं बढ़ सकते हैं, कि धीरे धीरे खाद
और जो केमिकल्स जो दवाई छिटकते हैं घास उस मरने के लिए, वो धीरे धीरे छोड़ना होगा उसको। फर्टिलाइजर का भी उपयोग करते हैं? हाँ, फर्टिलाइजर का भी उपयोग करते हैं, क्योंकि 3-4 साल के बाद ही फर्टिलाइजर बंद होगा। अच्छा, ये पोखर के बगल में एक छोटा सा गड्ढा ये बनाए हुए हैं, ये क्या है, ये इसमें क्या कर रहे हैं? चूंकि अभी इसमें मछली बड़ी बड़ी है और इसमें रूपचंदा है, सीलन है, मतलब ग्रास कार्प वगैरह है, तो सीलन और ये जो है रूपचंदा ये मांसाहारी होता है, अभी छोटा बच्चा डालेंगे तो उसको खा जाएगा ये, इसीलिए ये नर्सरी टाइप का बना रहे हैं। अच्छा, जब ये बड़ा होगा हाँ, तब उसमें डालिए। इस बड़ी मछली को निकाल लेंगे तब उसको डाल देंगे। चलिए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्त न्यूज के लिए छविलाल झा।